अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम डॉक्टर तनवीर फ्रॉम कोसर आयुर्वेदिक हेल्थ केयर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहमन सुर्ख के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे बेहमन सुर्ख की। हम जानेंगे इसके फ़ायदे, इसके नुकसान क्या हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और आपको अवेलेबल कैसे होगा। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी माहियत यानी पहचान की, तो ये छोटी छोटी खुश गाजरों की मानिंद एक बूटी की खुरदरी जड़ें हैं जिनके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं। ये सुर्ख और सफ़ेद दो किस्म की होती है। मैंने आपको इस वीडियो में सुर्ख की बात कर रहा हूँ, बेहमन सुर्ख। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बेहमन सफ़ेद के बारे में। तो ये बेहमन सुर्ख और बेहमन सफ़ेद ये दो किस्म की होती है। बाहर से सुर्ख सियाही माहिल और अंदर से कदरे सुर्ख होती है, और बेहमन सफ़ेद अंदर बाहर से सफ़ेद होती है। इसके अगर मिजाज के बारे में बात की जाए तो ये गर्म और खुश्क। बेहमन सुर्ख को ज़्यादा गर्म बयान किया जाता है। तो दोस्तों, अगर इसके अफ़ाल की बात की जाए तो ये मुफर्री व मुकव्विय कल्ब है, मुकव्विय बा है, मुअल्लिद मनी और मुसम्मिन बदन है। तो दोस्तों, अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो बेहमन सुर्ख और बेहमन सफ़ेद को तकवीत कल्ब और तफरी की गरज से खफकान और ज़ोफ़ कल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, और मुफर्रिहात व याकूतियात में शामिल करके खिलाते हैं। ज़ोफ़ बा के मरीज़ों को कुव्वत बा मुअल्लिद मनी के लिए तनहा सफ़ूफ़ बनाकर दूध के हमरा या मुनासिब अदविया के हमरा सफ़ूफ या माजून बनाकर खिलाया जाता है। बदन को फरबा करने के लिए भी तनहा या मुनासिब अदविया के हमरा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से आसानी से अवेलेबल हो सकता है, और इसकी मकदार खुराक 5 माशा से 7 माशा तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देख रेख में ही इसका इस्तेमाल करें, और गर्म मिजाज वाले इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर करें तो अपने डॉक्टर के परामर्श के तहत ही यानी डॉक्टर की सलाह के तहत ही इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, अर्श ता फर्श है जिसके